अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ का न्यूट्रिमा अस्पताल स्टाफ को लेकर एक बार फिर चर्चा में है। इस बार चर्चा का कारण एक महिला स्टाफ संग स्टाफ द्वारा किया गया दुष्कर्म। मां की टेस्टिंग के दौरान संपर्क में आए युवक ने स्टाफ नर्स से होटल में रेप किया और आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिए। बाद में इन वीडियो को दिखाकर ही युवक बराबर स्टाफ नर्स का शारीरिक व मानसिक शोषण करता रहा। परेशान होकर युवती ने परिजनों को बताया तो वे मेडिकल थाने रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे। मामला चूंकि दो समुदाय से जुड़ा हुआ था, लिहाजा पुलिस ने तुरंत ही नईमुद्दीन सैफी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बता दें कि इससे पूर्व भी न्यूट्रिमा अस्पताल ऐसे ही मामलों को लेकर चर्चा में आया था। इस बारे में पीड़ित महिला ने मेडिकल थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया है कि वे न्यूट्रिमा अस्पताल में कार्यरत हैं। मां के इलाज के दौरान उसकी मुलाकात वहां काम करने वाले नईमुद्दीन सैफी से हो गई। बाद में वह उसे बेगमपुर स्थित होटल ले गया और नशे में उसके साथ बलात्कार किया, वीडियो भी बना ली। इसके बाद लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहा। देखिए क्या बताया महिला ने। वहाँ पर मेरी मुलाकात नईमुद्दीन सैफी से हुई जी। वो एक मोमडन था, उसने मुझे नशीले पदार्थ पिलाकर मेरे साथ दुष्कर्म किया। कौन से हॉस्पिटल में वो जॉब करता है? नेटिव हॉस्पिटल में। अच्छा, क्या पुलिस ने कोई मदद की आपकी अभी तक? नहीं, कोई मदद नहीं की। कोई मदद नहीं की। वहीं न्यूट्रिमा अस्पताल के संचालक डॉक्टर संदीप गर्ग ने यह जानकारी दी। डॉक्टर साहब, ट्विटर के माध्यम से खबर वायरल हुई है जिसके अंदर न्यूट्रिमा के एक नईमुद्दीन नाम के व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया दुष्कर्म का, क्या पूरा मामला है? देखिए, हमें भी सोशल मीडिया से पता चला कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है, गलत काम किया है, तो तुरंत हमने उसको डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए निकाल दिया हमारे न्यूट्रिमा संस्थान से। और उसके ऊपर कोई कार्रवाई? उसके ऊपर कार्रवाई शायद सुना हमने कि जो लड़कियों वाले को पक्ष है, उन्होंने कुछ कंप्लेन करी है, उसके अनुसार पुलिस कार्रवाई कर रही है। हम पुलिस के साथ हैं, जो भी कार्रवाई में सहयोग हम देंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी।